मिस्र की लड़की करीमन ने गाया देशभक्ति गीत देश रंगीला, पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने की तारीफ। उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव, एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलना तय। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके से और लोकसभा सीटें मांगी, पिछली बार 9 सीटों पर लड़ा था चुनाव। इसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले एसआईएमआई पर बढ़ाया गया 5 साल का प्रतिबंध, गृह मंत्रालय का आदेश। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, पंजाब से लेकर बिहार तक 3 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम। गुजरात में राम मंदिर समारोह को लेकर निकाली शोभा यात्रा में झड़प के बाद कई मुस्लिम युवक गिरफ्तार। दिल्ली में हर परिवार को बचेंगे 2000 रुपए, आप सरकार लेकर आई नई नीति, बिजली बिल से जुड़ी है योजना। तमिलनाडु सरकार ने 252 मंदिरों में दी पूजा की अनुमति, डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। राजस्थान के कलाकार फब्बारे और मूर्तियों से सवार रहे दिल्ली, एलजीबी के सक्सेना रख रहे अपनी पैनी नजर। कालाजी मंदिर में हादसे के लिए जिम्मेदार कौन, अभी तक नहीं हो सका तय, पहचान करने में जुटी पुलिस। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।